सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ओप्पो के ओप्पो रेनो 6 प्रो डिवाइस के बारे में, और इसके लिए फाइनली इंडिया में कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट है जिसको यहाँ पर रोल आउट करा दिया गया है ओप्पो की तरफ से। सो इस अपडेट के अंदर आपको फीचर है वो यहाँ पर कौन से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को यह अपडेट अभी तक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है सो वो आपको यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सो अगर आप लोग इंडिया में ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G डिवाइस के यूजर है सो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। और गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ ओनली 200 लाइक, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको कई सारे अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब गाइस मैं आप लोगों से बात करूँ ओप्पो रेनो 6 प्रो डिवाइस के बारे में, और इसके लिए फाइनली इंडिया में कलर ओएस 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट है जिसको कि यहाँ पर ओप्पो की तरफ से यहाँ पर रिलीज करा दिया गया है। और ये जो अपडेट है इसका आपको वर्जन नंबर C.06 यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये आपको एक ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके के जो बग है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। बैटरी डेड का इश्यू है वो भी आपको काफी कम यहाँ पर देखने को मिलेगा इस अपडेट के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और 410 MB की आप लोगों को इस अपडेट की टोटल साइज का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑफिशियल वर्जन, मतलब कि आपको ये वाला स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ये वाला बीटा अपडेट होता तो यहाँ पर आप लोगों को बीटा वर्जन है जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाता। अब गाइस मैं आप लोगों से बात करूं, अगर आप लोगों का डिवाइस यहाँ पर कलर ओएस 12 है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के सेकंड बीटा अपडेट के ऊपर अभी करंटली रन कर रहा है तो आप लोगों के लिए ये वाला जो अपडेट है ना वो यहाँ पर ओप्पो की तरफ से यहाँ पर रिलीज करा दिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों का डिवाइस अभी एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है सो आपके लिए ये वाला जो अपडेट है ना वो यहाँ पर आते आते एक वीक का टाइम है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और एक वीक से पहले आप लोगों को ये वाला अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ओप्पो रेनो 6 प्रो डिवाइस के लिए ऑफिशियल वर्जन यहाँ पर रिलीज किया गया था ओप्पो की तरफ से, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको न्यूज है ना वो यहाँ पर पहले ओप्पो का ऑफिशियल कलर ओएस का जो टेलीग्राम चैनल है इस यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। सो अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया सो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको इस डेट न्यूज है वो सबसे पहले देखने को मिल जाती है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इसको जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अब गाइस मैं आप लोगों से बात करूं सबसे बड़े चेंज के बारे में जो कि आपको पर देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर। सो कंट्रोल सेंटर है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आफ्टर कलर ओएस 12 के ऑफिशियल वर्जन के अंदर। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो भी एकदम अच्छे से वर्क करता है, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की बग की प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलती है, एकदम स्मूथली सारा यहाँ पर वर्क है जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग डार्क मोड है इसके यहाँ पर एनिमेशन देखना चाहते हो सो आप लोग यहाँ पर जैसा देखते हो जैसे आप लोग इस पर प्रेस करोगे स्टेट यहाँ पर डार्क मोड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और परफेक्टली यहाँ पर ये वर्क करता है। अगर आप लोग इसको यहाँ पर ऑफ करोगे सो ऑफ भी फटाफट से हो जाएगा, इसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर गाइस मैं आप लोगों से बात करूँ कुछ और चेंजेस के बारे में सो सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में जो यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग का लेआउट है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ पर सेटिंग का लेआउट है पेज है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सब लोगों को यहाँ पर एक फीचर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का लगा है, अगर आप लोग यहाँ पर पर्सनलाइज वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हो सो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो यहाँ पर टैब है वो देखने को मिल जाते हैं। और कलर वाला एंड्रॉइड 12 का एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि ओप्पो की ओर से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ओप्पो रेनो 6 प्रो के ऑफिशियल अपडेट के अंदर। यहाँ से तो आप लोग अपने जो वॉलपेपर है उनको यहाँ पर चेंज कर ही सकते हो, और इसके अंदर आपको ओप्पो के ऑफिशियल कलर ओएस 12 है प्लस रियलमी यूआई 3.0 के कंप्लीट वॉलपेपर है वो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको स्टैटिक की कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, लाइव की कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और ऑनलाइन वॉलपेपर की कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप लोग अपने हिसाब से इनको यहाँ पर चूज कर सकते हो। और सेकंड बड़ा आपको चेंज ये देखने को मिलता है आइकन और जो क्विक सेटिंग है इनकी पोजीशन है वो यहाँ पर चेंज कर दी गई है, हालांकि आपको शेप है वो तो यहाँ पर पुरानी जैसी देखने को मिलती है। अगर आप लोग थीम को यहाँ पर ओपन करोगे सो डायरेक्ट आप लोग थीम एप्लीकेशन है इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का फीचर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
किले के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर यूज नहीं किया है तो यार जरूर से इसको ट्राई करना, आप लोगों को कलर ओएसटल का एक बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसको आप लोगों को यहाँ पर ओपन कर देना है और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर जैसा देख दो इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट साइन आउट का एक बहुत ही कमाल का ऑक्सीजन ओएसटल का फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अगर आप लोग इस पर प्रेस करोगे यहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी इमेजेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो उसको आप लोगों को यहाँ से चूज कर लेना है। सो मेरी एक इमेज है उसको मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। उसके बाद में आप लोगों को जनरेट पे यहाँ पर प्रेस कर देना है। सो यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सो गाइज इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है और जो क्लोक है उसके कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन व्हाइट वाला परफेक्ट है, इसी को हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं और उसके बाद में आप लोगों को अप्लाई पर प्रेस कर देना है। अब क्या करना है, आपका फोन है उसको लॉक करना है और लॉक स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही कमाल की है। अगर कोई पहली बार भी देखेगा तो बहुत ही कमाल की लॉक स्क्रीन है जो कि यहाँ पर लगने वाली है। सॉरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की लॉक स्क्रीन है वो आपको लगेगी और जो ओरिजिनल लॉक स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। और इसकी एनिमेशन है वो तो आप लोग देख ही सकते हो कितनी कमाल की देखने को मिलती है। ये वाली है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और इसके बीच की जो एनिमेशन है वो आप लोग देखना कितनी कमाल की देखने को मिलती है। सो ये वाला आप लोगों को बहुत ही कमाल का चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है ओप्पो के ऑफिशियल कलर ओएस 12 के अपडेट के अंदर। अब गाइस यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसकी जो स्टाइल है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। अगर आप लोग इसको यहाँ पर कंपेयर करो कलर ओएस 11 के अपडेट से, सो ये वाला एक मुझे बहुत ही कमाल का चेंज लगा है और स्पीड आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को स्पीड है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसी ऑफिशियल अपडेट के अंदर। अब गाइस मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और चेंजेस के बारे में। सो एक आपको बहुत ही बड़ा चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कलर वाले ऑप्शन के अंदर। सो इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जैसा कि देखते हो कंट्रोल सेंटर मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर मैंने रेड कलर है उसको यहाँ पर सेट करके रखा था, लेकिन आप लोग इसके अंदर कुछ और कलर है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको ग्रीन कलर है वो देखने को मिल जाएगा, लाइट ग्रीन कलर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और एक और आपको थोड़ा जो डार्क ग्रीन है वो देखने को मिल जाएगा, ब्लू कलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ये थोड़ा वॉयलेट कलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और कस्टम कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप लोगों को यहाँ पर पिक वाला कलर सेट करना है तो आप लोगों को पिक वाले पे लाना है और उसके बाद में सेव कर देना है। अब आप लोगों के फोन के अंदर पिक कलर है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। और यहाँ पर गाइज आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन है उसको आप लोगों को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि फ्यूचर में कोई नया अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाए। और ओप्पो का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करना ना भूलना, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।